नालछा में महाशिवरात्रि पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया। बाबा भोलेनाथ की पूजा अर्चना के लिए सुबह से ही शिव मंदिरों में भक्तों का तांता लगा रहा। सभी शिव मंदिरों में आकर्षक साज सज्जा की गई और फरियाली दूध का वितरण किया गया। विशेषकर महिलाओं द्वारा शिव मंदिरों में जोत जलाकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर अपने परिवार की खुशहाली और सुख समृद्धि के लिए भगवान से विनती की गई। सोमेश्वर महादेव खारी बावड़ी, सिद्धेश्वर महादेव, राजराजेश्वर मंदिर, राजवाड़ा चौक, शिवघाट के शिव मंदिर पर विशेष साज सज्जा की गई। नालछा से विनीत यादव की रिपोर्ट। हमारे परम श्रद्धेय गुरु महाराज ब्रह्मलीन संत श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज की जन्मोत्सव के दिन आज यहाँ रामपाल की धाम पर एक विशाल आयोजन किया गया है। सभी श्रद्धालु भक्तों के द्वारा उनकी मूर्ति की स्थापना की गई है आज सब पूरे वैदिक मंत्रोच्चार के साथ में, और हजारों श्रद्धालु आकर भोजन प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। पर ब्रह्म संत श्री सर्वेश्वर दास जी महाराज का आज जन्मदिन भी है और शिवरात्रि के महापर्व पर सभी श्रद्धालुओं को गुरु महाराज के चरणों में सत्सत वंदन नमन। जी आपका नाम? मनोज ग्वाल। मैं सभी भक्तों को शिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस जगह का एक अलग ही आनंद है। श्री रामपाल की धाम से मैं पिछले 17 से 18 वर्ष से जुड़ा हूँ, जब यहाँ तक आना भी बड़ा दुर्गम होता था, पर गुरु भक्ति में धीरे 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 स्वतः ही यहाँ पर लोग आने लगे, धीरे धीरे से जुड़ते गए और बाप जी की ऐसी कृपा रही कि बाप जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहा और धीरे धीरे सभी कल्याण के कार्य होते रहे। आज यहाँ क्या आयोजन हुए? आज यहाँ पर बाप जी की जन्मोत्सव भी था और आज ही के दिन यहाँ पर बाप जी की मूर्ति की स्थापना हुई और शिवरात्रि पर एक भंडारे का आयोजन भी यहाँ हुआ है जो प्रतिवर्ष होता है, पर आज का एक आनंद बहुत ही अलग है। एक बहुत ही उत्सव का माहौल है यहाँ पर और काफ़ी लोग यहाँ पर आज अधिक से अधिक संख्या में आए हैं। आप कहाँ से आते हैं? मैं धार का रहने वाला हूँ और मैं धार से आता हूँ। जी आपका नाम? मेरा नाम आशीष अग्रवाल है और सर्वप्रथम मैं यहाँ पर आया था अपने एक अजीज मित्र ठाकुर के साथ और नालछा से हम लोग अंदर आए थे और रास्ते में हमारी गाड़ी फंस गई थी, यहाँ तक आने का कोई रास्ता नहीं था। खेतों की एक पगडंडी में से चलकर हम पैदल पैदल 2 किलोमीटर चलकर आए थे और यहाँ पर हमारे जो भक्तगण हैं जैसे विवेक जी जैन हैं, संजय जी शर्मा हैं, आशीष जी अग्रवाल हैं, सभी लोगों ने और सभी भक्तों ने मिलकर और यहाँ के स्थानीय लोगों ने बाप जी से जुड़कर काफ़ी मतलब यहाँ पर कार्य किए हैं जिससे आज यहाँ तक गाड़ी आना सुगम हो गया है। और सभी से मेरा निवेदन है कि एक बार इस धाम पर दर्शन करने के लिए जरूर अवश्य पधारें और भविष्य में जिस तरह से शिरडी के साईं बाबा का धाम है उस तरह से यहाँ की यहाँ पर बिल्कुल ऐसा होगा कि शिरडी के साईं बाबा की तरह रामपाल की जी के बाप जी के धाम को भी इसी तरह से पहचान बनाई जाएगी। जी यहाँ पर किस कार्यक्रम का आयोजन रखा है? यहाँ 3 दिवसीय कार्यक्रम था, 19 तारीख से कार्यक्रम चल रहा है। 19 तारीख को पंचमी हनुमान मंदिर से पूरे गांव में भ्रमण करके गुरु जी की प्रतिमा को यहाँ पर लाए गए। कल सुंदरकांड था, आज भजन संध्या है और भंडारा भी चल रहा है। कम से कम यहाँ पर आज 20 से 25 हज़ार की पब्लिक का भंडारा हुआ और आज भजन संध्या कार्यक्रम भी रखा गया। 3 दिन आज गुरु जी का जन्मदिन भी है और गुरु जी का आज मूर्ति की स्थापना भी करी है। जी ठीक है, आपका नाम? डॉक्टर महेश यादव नालछा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।